नमस्कार, वीकेबी स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का त्यौहार सूर्य के उत्तरायण होने पर मनाया जाता है। इस पर्व की विशेष बात यह है कि यह अन्य त्योहारों की तरह अलग अलग तारीखों पर नहीं बल्कि हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, जब सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरता है। इस पर्व को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से है। जब भी सूर्य मकर रेखा पर आता है वह दिन 14 जनवरी का ही होता है, अतः इस दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरह से मनाया जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है और तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व के रूप में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है और इसे लोहड़ी पर्व कहा जाता है। वहीं असम में बिहू के रूप में इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर प्रांत में इसका नाम और मनाने का तरीका अलग अलग होता है। त्योहार हो और पकवानों की बात ना हो, ऐसा हो सकता है भला? ये हमारा भारत देश जो है, अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ खिचड़ी खाने का बहुत महत्व है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर तिल का उपटन कर स्नान किया जाता है। इसके अलावा तिल और गुड़ के लड्डू एवं अन्य व्यंजन भी बनाए जाते हैं। इस समय सुहागन महिलाएं सुहाग की सामग्री का आदान प्रदान भी करती है। ऐसा माना जाता है कि इससे उनके पति की आयु लंबी होती है। ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य के उत्तरायण की गति प्रारंभ होती है। सूर्य के उत्तरायण प्रवेश के साथ स्वागत पर्व के रूप में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। वर्ष भर में 12 राशियों जैसे मेष, वृषभ, मकर, कुंभ, धनु इत्यादि में सूर्य के 12 संक्रमण होते हैं और जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है तब होती है मकर संक्रांति। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्य काल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल भी कहा जाता है। इसे साधना का सिद्ध काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनित कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति को स्नान और दान का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन तीर्थों एवं पवित्र नदियों में स्नान का बेहद महत्व है। साथ ही तिल, गुड़, खिचड़ी, फल एवं राशि अनुसार दान करने पर पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही माघ शुक्ल अष्टमी के दिन स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य की उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल अर्घ एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। इन सभी मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति पर्व एक उत्साह और भी जुड़ा हुआ है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व है। इस दिन कई स्थानों पर पतंगबाजी के बड़े बड़े आयोजन भी किए जाते हैं। लोग बेहद आनंद और हर्षोल्लास के साथ पतंगबाजी करते हैं। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने के पीछे एक कथा प्रचलित है। तमिल के तन्नान रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू की थी। बताया जाता है कि जो पतंग भगवान राम ने उड़ाई थी वह सीधे स्वर्गलोक पहुंच गई थी। स्वर्गलोक में पतंग इंद्र के पुत्र जयंत की पत्नी को मिली। उनको पतंग काफी पसंद आई और उसको अपने पास उन्होंने रख लिया। जयंत की पत्नी ने सोचा कि जिसकी पतंग है वह इसे लेने जरूर आएगा।
उधर भगवान राम ने हनुमान जी को पतंग लाने के लिए भेजा। जब हनुमान जी ने जयंत की पत्नी से पतंग वापस करने के लिए कहा, तब उन्होंने भगवान राम के दर्शन की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि दर्शन के बाद ही वह पतंग वापस करेंगी। हनुमान जी ने पूरा प्रकरण भगवान राम को बताया। भगवान राम ने कहा कि वह मेरे दर्शन चित्रकूट में कर सकती हैं, और यह आदेश देने के लिए हनुमान जी को पुनः भेज दिया गया। हनुमान जी ने स्वर्ग लोक में जयंत की पत्नी को भगवान राम का आदेश दिया, जिसके बाद उन्होंने पतंग वापस कर दी। भारत में मकर संक्रांति के पर्व पर कई जगह काइट फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है। हालांकि इस बार कोरोना वायरस की वजह से इन फेस्टिवल्स की चमक थोड़ी फीकी जरूर नजर आएगी, लेकिन उत्साह में किसी चीज की कमी नहीं होगी। पतंग उड़ाना खुशी का माहौल लेकर आता है, लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि खुशी को गम में बदलने के लिए पल भर का समय भी नहीं लगता। पतंग उड़ाने के लिए सुरक्षित स्थान का प्रयोग करें और चाइनीज मांजा या नायलॉन मांजे से दूर ही रहें। सुरक्षित रहें, अपनों को भी सुरक्षित रखें, खुद का ख्याल रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। तिल गुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।